सब आपके बाजार में खड़े हैं आपका स्टंट देखने के लिए, स्पेशली हम लाहौर से आए हैं। सब आपके बाजार में खड़े हैं आपका स्टंट देखने के लिए, स्पेशली हम लाहौर से आए हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप आए हैं अभी, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा हमारे गांव में मंडियां तो बहुत दूर से आए हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे से आपको स्टंट दिखाऊंगा। अच्छा ये बताएं कि आप स्टंट कौन कौन से स्टंट करते हैं? जी बहुत ज्यादा करता हूँ, ऑलरेडी दो बसों का है, गाड़ियों को ऊपर से गुजारना, गाड़ियों को रोकना, ब्रेक लगा लगा के बताएं। ऐसा दो बसों को खींचना, गाड़ियों को दो गाड़ियों को बसों के बांध के रोकना, और काफी ज्यादा बाइकों को रोकना, गद्दे से बाइकों को उठा लेना, और ये इस तरह के और काफी ज्यादा बाइक को रस्से लेके और दोनों बाजुओं से रोक देना। हाँ जी, रस्से लेकर उन्हें 10 बाइक इधर 10 बाइक इधर, ये भी मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मतलब 10 बाइक एक साइड पर, 10 बाइक एक साइड पे, 20 बाइकों का रिकॉर्ड है। हाँ 20 बाइकों का रिकॉर्ड मंडिया में बाद में बनाया मैंने। बाजू अपनी है? हाँ नहीं, हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कह रही है ठीक ठाक ठीक है। हाँ मतलब दमशम है? हाँ क्या खाते हो? बस नॉर्मली खुराक खाता हूँ, जो दूध वगैरह और रोटी वगैरह, जो अपना जो होता है, अपना जो होता है हरंग का गोश्त और मटन इसकी फेवरेट खुराक है। नहीं हरंग का ये तो कभी कभार मिलता है, कभी कभार किस्मत से। हाँ किस्मत से मिलता है। कार का शौक है? हाँ शौक है, लेकिन करता नहीं हूँ, मुझे करता नहीं हूँ, लेकिन खाने के शौक है। खाने का शौक है, पका पकाया सामने आ जाए, खुद तो करने नहीं जाना। जी बिल्कुल, पका पकाया सामने करता नहीं, बस वो अच्छा लगता है पका पकाया सामने आ जाए तो। हाँ बिना मेहनत के खाने का आती। स्टूडेंट कितने हैं जिनको आपने स्टंट सिखाया है? अच्छा काफी ज्यादा मेरे स्टूडेंट है, अभी 20-25 स्टूडेंट है जो अभी स्टंट कर रहे हैं मेरे साथ साथ। क्या स्पेशलिटी है उनकी? भी यही है खुराक, मतलब नॉर्मली खाते, मतलब क्या स्पेशल करते हैं? वो भी मेरे से थोड़े से जूनियर है, वो भी अच्छे से अच्छे फन दिखा सकते हैं, कदम दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसे भी हैं जो लाइन के, रेलवे लाइन के ऊपर चल सकते हैं, हाथ टांगे ऊपर करके, टांगे आसमान को लगानी, नहीं आसमान का तो नहीं, वैसे ऊपर करके करके वो चल सकते हैं। हाँ हाथों के बल चलना? जी हाँ हाथों के बल चलते हैं। हाँ बिल्कुल हाथों के बल चलते हैं, काफी ज्यादा चलते हैं। हाँ तो आप मतलब ये चीजें वगैरह रोकना खींचना, इसके अलावा क्या करते हैं? और भी काफी मेरा खेल कबड्डी है और दंगल करता हूँ, कबड्डी और दंगल करता हूँ, दोनों करता हूँ। दोनों जगह अपने झंडे गाड़े हुए हैं में भी और कबड्डी में? हाँ कबड्डी में, कबड्डी फिर हमारे गाँव की सकाफत की खेल है, तो उसको फिर मैं खेलता हूँ, जरूर खेलता हूँ, जब भी मेले आते हैं तो वो कबड्डी जरूर खेलता हूँ, आगे पीछे वो स्टंट करता हूँ। अच्छा आप स्टंटमैन बने हैं तो किसको देख के आपको इंस्पिरेशन आई है? वैसे वो आउट ऑफ कंट्री के स्टंट देखता था, अमेरिका के और इंडिया के और लोगों दूसरी कंट्री के स्टंट देखता था, उससे मुझे शौक पड़ा कि हम भी इंशाल्लाह करेंगे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें इंशाल्लाह। फेवरेट स्टंटमैन कौन है आपका? आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी? फेवरेट स्टंटमैन है मेरा दूसरा लिए के हैं, कुछ है केपीके के हैं, मर्दान से हैं। तो स्टंट आपको अच्छा लगता है? वो जो बर्फ की ब्लॉक तोड़ते हैं, दौड़ के आते पीछे 5 ब्लॉक तोड़ते हैं, ऐसे किया है? नहीं अभी किया नहीं है मैंने, वो करना है अभी। अभी करना है? हाँ अभी मैंने करना है, अब किया नहीं है। मतलब कभी प्रैक्टिस की है उसकी? नहीं अभी प्रैक्टिस भी नहीं की है, वो दूसरा कहते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वो करेंगे। एक दूसरा जो ट्रैक्टर रोकने वाला वो भी मुझे शौक है, दिखाने वाले कुछ नया नेक्स्ट टाइम कुछ दिखाऊंगा, 3-4 बसें खींच कर दिखाऊंगा दांतों से, पहले 2 खींची अब 4-5 खींच। हाँ इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा आपको। लोग आपको बड़े शौकिया तौर पे देख रहे हैं, अभी वीडियोस भी बना रहे हैं, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं? जी मैं मंडी आऊँ बाद मेरे गाँव वाले हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए दुआएं भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं दिल से, ये होता है मुझे। यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, स्टंट करते हैं, तो लोगों ने कोई कौमी नाम दिया है आपको? नहीं वैसे मिर्जा जट कहते हैं बस, वो मेरा नाम है कौमी के साथ, कोई हीरो शीरो या हमारा स्टंटमैन? जी फखरे मंडियां दा बात मुझे अक्सर कहते हैं। हाँ ये नाम है? हाँ जी बिल्कुल। शेरो शायरी आती है? नहीं नहीं नहीं, मतलब मुश्किल काम ही करने हैं? हाँ मुश्किल है, वो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को? ये तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऑलरेडी टैलेंटेड नौजवान है, टैलेंट यंग जनरेशन है, उनको सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी दाद वसूली करें, चलो उनको हमेशा सपोर्ट करें, ना कि फांसी वाली वीडियो, ना कि दूसरी वीडियो को सपोर्ट करें, टैलेंट को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना देख मैंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फखरे मंडी अहमदाबाद नहीं है, फखरे पाकिस्तान है। मंडी अहमदाबाद का नाम इन्होंने पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है। मैं पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ, तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पर दोस्त मिले हैं जो इनके फैन थे, तो हमें फख्र होता है कि ये हमारा बचपन का दोस्त है, और उसकी वजह से हमारे शहर, हमारे उकाड़ा का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो ये हमें फख्र है इस पर। और आपका 42 वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप इतनी दूर से इस टैलेंट को दिखाने के लिए मंडी अहमदाबाद शरीफ लाए, दिल की थाक रहियों से आपको वेलकम करते हैं और आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे तरह नौजवान और भी हैं उनको टैलेंट गाँव जाकर उनके जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया, आप मेरे कवरेज लेके आए, ऐसे दूसरों को भी सपोर्ट करना, यही शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।